टूथपेस्ट, ये टूथपेस्ट क्या है? ये हमारी नॉर्मल लाइफ में हम रोज यूज कर रहे हैं, आज भी यूज कर रहे हैं, कल भी यूज कर रहे हैं, परसों भी यूज करेंगे। तो कभी सोचा है कि टूथपेस्ट हमें क्यों यूज करना पड़ता है? क्या कारण है कि रोज हमें डॉक्टर कहता है कि हमें 2 बार सुबह शाम रात को ब्रश करना चाहिए, क्या वजह है? तो देखो समझते हैं। तो देखो होता क्या है, ये हमारा चैनल है वैदिक केमिस्ट्री का, इसमें आपको सारी चीजें ऐसे मिलेंगी कि जो चीजें हम यूज आज के टाइम पे कर रहे हैं, आज के टाइम पे मेरे टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं, फ्लोराइड से टूथपेस्ट अलग यूज करते हैं, तो ये चीजें पहले के लोग कैसे बिना इन चीजों के, जो आज के टाइम पे इतनी मॉडर्न जमाने में इतनी सारी चीजें आ गई हैं, उनके बिना यूज किए वो लोग कैसे नेचर से वो चीज इनहेरिट करते थे, मतलब कैसे वो नेचर से। आपने सुना होगा नीम का दातुन, आपने घर पे बड़ों को करते हुए देखा होगा, और नीम का दातुन हो गया, बबूल का दातुन हो गया, तो ये वो लोग क्यों करते थे? क्या इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन था या वो ऐसे करते थे? तो आज हम ये जानते हैं। हाँ पक्का साइंटिफिक रीजन था, मतलब हम समझते हैं पूरा प्रूफ के साथ। तो देखो हमारे माउथ में 2 बैक्टीरिया होते हैं। कौन से 2 बैक्टीरिया होते हैं? आपको पता है स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटिनस एंड स्ट्रेप्टोकोकस सोबिनियस। तो ये बैक्टीरिया का क्या काम होता है? ये हमारे मुंह में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है? तो जैसे आपने देखा होगा हम कुछ भी कोई भी मीठी चीज खाते हैं, हमारे माउथ में 2 तरह के बैक्टीरिया होते हैं, एक ये स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेनस एंड स्ट्रेप्टोकोकस सोबरेनियस। तो क्या होता है, जब हम कोई भी चीज मीठी चीज खाते हैं तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, इन बैक्टीरिया को ये एक्टिव हो जाते हैं, मतलब है तो ये माउथ में अभी भी प्रेजेंट है, पूरा दिन एक्टिव रहते हैं। मगर जैसे हम कोई मीठी चीज खाई, हमने कोई खाने में कोई बिस्किट खाया, कोई मीठी चीज, कोई चॉकलेट खाई, कोई मिठाई खाई या कोल्ड ड्रिंक पी, तो जो उसका लेफ्ट ओवर होता है, जो हमारे माउथ के अंदर रह जाता है, जो हमारे मुंह के अंदर रह जाता है, ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये उसके ऊपर घर बना के मुंह में एसिड रिलीज करते हैं। हाँ ये सच्ची बात है, इसलिए तो कहा जाता है कि कोई भी मीठी चीज खाने के बाद हमें एक बार कुल्ला कर लेना चाहिए, ब्रश कर लेना चाहिए, वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो मुंह में 1, 2, 3, 4 कण बच जाते हैं, ये उसके ऊपर बैक्टीरिया बैठ करके हमारे मुंह में एसिड रिलीज करते हैं। हाँ ये सच्ची बात है, जब ये एसिड रिलीज करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे दांतों में हमें परेशानी, हमें दर्द जैसा होता है, टूथ डिके होने लगते हैं। हाँ आपने सुना है इनेमल, इनेमल जो हमारे दांत है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट, जो ऊपर का पार्ट होता है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट, जो एक बोन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, एक हड्डी से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी होता है, उसको भी ये डिके कर देते हैं। एक प्लेग जैसी लेयर जम जाती है दांतों के ऊपर, और धीरे 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 करके दांत को वहां से डिके कर देते हैं, फिर आपको परेशानी होती है डेंटल कैविटी वगैरह सारी, आप परेशानी से एक इंसान सफर करता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं इन टूथपेस्ट को। ये क्या करते हैं, इसके अंदर, हाँ इसका पीएच जो होता है वो 7 से थोड़ा ज्यादा होता है, ये इसके अंदर एल्कलीज होती हैं, मगर इनके अंदर फ्लोराइड्स होते हैं। फ्लोराइड आयंस क्या करते हैं, जब हमारे मुंह में मीठी मीठी खाई, बैक्टीरिया ने एसिड रिलीज करा, तो ये फ्लोराइड आयंस सलाइवा के साथ, फॉस्फेट आयंस के साथ मिल करके, और जो भी हमारे सलाइवा में आयंस होते हैं उनके साथ मिल करके दांतों को साफ कर देते हैं। तो ये प्रोसेस चलता रहता है, अगर हमने टूथपेस्ट करा, फ्लोराइड आयन हमारे मुंह में आ गए, और बाकी आयंस जो हमारी सलाइवा में मिल करके दांत की प्लेक को साफ कर देते हैं, तो हमारे दांत को डिके से बचा लेते हैं। अब बात, तो ये सब तो आपको पता ही है, ये सब आपने सुना भी होगा। अब बात, हमने ये जो वीडियो वेरी केमिस्ट्री में पढ़ रहे हो, इस टॉपिक का रिलेवेंस क्या है, इस टॉपिक का रिलेवेंस ये है कि हम बात कर रहे थे कि पहले के लोग इसकी जगह क्या करते थे, पहले के लोग भी तो दांत साफ कर रहे थे, तब तो ये टूथपेस्ट नहीं होते थे, आज से 100 साल, 150, 200 साल पहले वो लोग दातुन करते थे, तो दातुन क्यों करते थे, आज हम इस बात पे विचार कर रहे हैं, ये टॉपिक हमारा आज का मुद्दा है कि वो लोग दातुन क्यों करते थे। तो भाई बहुत सरल सीधी सादी बात, आपको पता है, आप किसी भी रिसर्च में पढ़ लेना, आजकल तो बड़ी यूनिवर्सिटीज ने इसमें रिसर्च कर लिया कि जो दातुन होता था, दातुन जो होता था वो जब हम करते हैं नीम का दातुन या बबूल का दातुन, तो हमारे मुंह में जो बैक्टीरिया होता है स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेनस, आपने सुना होगा इसका नाम, ये जो बैक्टीरिया होता है ये उसको ही मार देते हैं। हाँ सच्ची बात, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस जो हमारे मुंह के अंदर बैक्टीरिया होता है, नीम का दातुन काफी हद तक उसको मार देता है। सोवेरियस की बात नहीं कर रहा मैं, ऐसे स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस की बात कर रहा हूँ, काफी हद तक उसको मार ही देता है बैक्टीरिया को, अब ना रहेगा बास ना बजेगी, बास हुई वही वाली बात है, अगर वो बैक्टीरिया नहीं रहेगा, अगर वो बैक्टीरिया ही नहीं रहेगा तो एसिड कैसे रिलीज करेगा। तो वही हम समझ रहे थे, हमारे मुंह के अंदर जो बैक्टीरिया होता है, हम कुछ मीठा खाते हैं ये उसके ऊपर घर बना के एसिड रिलीज करते हैं, अगर ये बैक्टीरिया ही नहीं रहेगा, हाँ नुकसान तो मीठे से होता ही है दांत को, मगर उतना नुकसान नहीं हो पाएगा। तो जो नीम का दातुन पुराने लोग करते थे उसका ये साइंटिफिक रीजन होता था। तो इसी तरह के वैदिक प्लस केमिस्ट्री, वैदिक केमिस्ट्री को समझने के लिए आप हमारे चैनल को देख सकते हैं। थैंक यू।